नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 15 शहर 15 रिपोर्टर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक अहम खबर, जहां बीजेपी विधायक का निधन हो गया है। नहीं रहे मनोहर उठवाल, दिल्ली के निजी अस्पताल में निधन हुआ है, ये दुखद खबर मिली है। और अब चलिए रुख करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर की तरफ। आगरमालवा से बीजेपी विधायक मनोहर उठवाल का आज आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन का समाचार सुनते ही क्षेत्र में गम का माहौल हो गया। दरअसल मनोहर उठवाल पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें दिमाग में जो उनकी नस दिमाग की एक नस में सूजन आने के बाद में उनका इंदौर में इलाज चल रहा था। लगातार वहां पर उनके स्वास्थ्य में गिरावट हो रही थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली स्थित एक निजी अस्पताल में एयरलिफ्ट करके ले जाया गया था, जहां पर उनका लगातार इलाज किया जा रहा था। लेकिन आज सुबह 6 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन की जो जानकारी क्षेत्र के वासियों को लगी, उनके समर्थकों को लगी, तो उनमें काफ़ी निराशा छा गई। मनोहर उठवाल को का जो आज पार्थिव शरीर है, उसे उज्जैन से सड़क मार्ग से होते हुए आगर लाया जाएगा, जहां पर देर शाम को उनके जो समर्थक हैं, उनके करीबी हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए उन रखा जाएगा, जहां पर वो श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद देर रात उनके पार्थिव शरीर को आलोट ले जाया जाएगा, जहाँ पर कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें कई बड़े बीजेपी के नेताओं के शामिल होने के संभावनाएँ हैं। मनोहर उठवाल के राजनीतिक करियर की बात की जाए तो मनोहर उठवाल ने एक पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद वे 4 बार विधायक रहे हैं। आगर मालवा से जुड़ाव की बात की जाए तो 2013 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, उसके बाद वो विधायक बने थे। उसके बाद 2014 में उन्होंने देवास शाहजहाँपुर संसदीय क्षेत्र में जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं सज्जन सिंह वर्मा, जो कि वर्तमान में मंत्री भी हैं, उन्हें शिकस्त देकर वे सांसद बने थे। उसके बाद 2019 में उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं NSUI के विपिन वानखेड़े, उन्हें हराकर विधानसभा सीट आगर जीती थी और वो विधायक बने थे। तो एक लगातार उनका राजनीति से संबंध रहा है, नाता रहा है, और वो जमीनी कार्यकर्ताओं से लगातार जुड़े हुए रहे हैं। आगर से उनका करीबी नाता रहा है। काफ़ी जो यहाँ के जो लोग हैं वो उनके काफ़ी पसंद करते थे, क्योंकि वो जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़े हुए रहते थे। तो इस तरह से मनोहर उठवाल का अचानक चले जाना बीजेपी के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी क्षति कहा जाएगा। भाजपा विधायक मनोहर उठवाल की असमय मौत के बाद एक बार फिर विधानसभा में वास्तु दोष की खबरों ने जोर पकड़ा है। भाजपा विधायक मनोहर उठवाल के असमय निधन से पूरे मध्य प्रदेश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बीते दिनों ब्रेन हेमरेज हो जाने के चलते उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल में एयरलिफ्ट कर भर्ती कराया गया था। चिकित्सक की देखरेख में लगातार उठवाल का इलाज चलता रहा, लेकिन गुरुवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। इधर जलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष NP प्रजापति ने भी उठवाल के निधन को मध्य प्रदेश के लिहाज से एक बड़ी क्षति बताया। वहीं उन्होंने विधानसभा के वास्तुदोष को लेकर भी चिंता जाहिर की है। उठवाल के निधन के साथ ही एक बार फिर विधानसभा के वास्तुदोष की खबरों सरगर्म हो गई है। इस मामले को लेकर जब विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति से बातचीत की गई तो उन्होंने इस मुद्दे पर चिंता जताई। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इसके पहले भी उनकी पार्टी ने विधायक बनवारी लाल शर्मा को खोया है। विगत दिनों विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने इस ओर इशारा किया था। प्रजापति के मुताबिक अब वे इस मामले को देखेंगे और वास्तु को लेकर क्या विषय है इस पर भी पूरी जानकारी लेंगे। गौरतलब है कि 1996 में नई विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ था, जिसके बाद से अब तक करीब 34 विधायकों की असमय मौत हो चुकी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित हो रहे हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के सरकार पर वार पर CM कमलनाथ ने पलटवार किया है। CM कमलनाथ ने बीजेपी नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करती। इतना ही नहीं, CM ने ये भी कहा कि क्या बीजेपी के पास धर्म की एजेंसी है। CM कमलनाथ का ये बयान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के उस बयान के पलटवार में आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दरअसल हनुमान चालीसा का आयोजन लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इस बयान को लेकर राकेश सिंह पर निशाना साधा और कहा कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ये उन पर धिक्कार है। दरअसल आज राजधानी भोपाल में 25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित होने जा रहा है। मिंटो हॉल में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में CM कमलनाथ से लेकर तमाम मंत्री शामिल होंगे। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा था
कि सरकार लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरीके के आयोजन कर रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब धर्म के नाम पर राजनीति देखने को मिली है, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए। गांधी की पुण्यतिथि पर आज उन्हें नमन अर्पित किया गया। नमन करने का तरीका बहुत ही निराला था, क्योंकि उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी बैरागढ़ के एक निजी कॉलेज पहुंचे और उन्होंने गांधी के स्तंभ और चेयर का लोकार्पण किया। एक संयुक्त तौर पर ये लोकार्पण माना जा रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश के जितने भी शासकीय महाविद्यालय हैं उनमें आज ये लोकार्पण किया गया है, जिसमें गांधी जी के विचार स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में उतार पाएं, ये लक्ष्य के साथ इसका लोकार्पण किया गया। आप जैसा देख रहे हैं कि स्तंभ पर गांधी जी के बारे में साफ तौर पर लिखा हुआ है और उनके बारे में जानकारी दी गई है कि गांधी जी ने कौन से अपने जीवन में प्रमुख आंदोलन चलाए और क्या उनकी जीवन सारिणी रही, इस तमाम चीज़ों की जानकारी इस स्तंभ के जरिए दी गई है। साफ तौर पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि जब तक स्टूडेंट्स अपने अंदर गांधी के विचार नहीं लाएंगे तब तक देश में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। आज ज़रूरत है स्टूडेंट्स को गांधी के विचार अपने अंदर उतारने की, ताकि देश का उज्जवल भविष्य हो सके, उन्हें बांटा ना जा सके। जिस तरीके से सीएम कमलनाथ ने 2 अक्टूबर को निर्देश दिए थे कि सभी स्कूल और कॉलेजों में गांधी के स्तंभ और चेयर का लोकार्पण किया जाए, उसी निर्देश का आज पालन करते हुए गांधी जी की पुण्यतिथि पर इसका लोकार्पण किया गया है। दिल्ली चुनाव प्रचार में हो रही बयानबाजी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा बयान दिया है। सिंधिया ने कहा कि दिल्ली के चुनाव प्रचार में स्तरहीन बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। गुरुवार को ग्वालियर दौरे पर आए सिंधिया ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में स्तरहीन शब्दों के प्रयोग की निंदा करनी चाहिए। सिंधिया के मुताबिक ये एक दिन की बात नहीं है, कई दिनों से ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जिसमें राजनीति की भाषा का स्तर लगातार गिर रहा है। सिंधिया ने दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान हुई बयानबाजी पर कहा कि जिन लोगों ने चुनाव प्रचार में ऐसे स्तरहीन शब्दों का प्रयोग किया है उन लोगों पर चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। गौरतलब है कि बीजेपी के सांसद ने चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को आतंकी तक कह दिया था। साथ ही सिंधिया ने केंद्र सरकार पर राज्यों को बजट देने में भेदभाव का आरोप भी लगाया है। सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार एमपी की योजनाओं के बजट में लगातार कटौती कर रही है, ये असंवैधानिक ढांचे का अपमान है। ज्योतिरादित्य ने आज सिंधिया क्रिकेट प्रीमियर लीग का शुभारंभ भी किया। इस दौरान सिंधिया ने खिलाड़ियों से संबोधन में कहा कि जिस तरह से रोहित ने 2 आखिरी गेंदों में छक्के मारकर टीम इंडिया को जिताया, उम्मीद है कि आप भी इस मैदान पर उसी तरह से छक्कों की बरसात करेंगे। चीन में करीब 100 से अधिक लोगों की मौत की खबर आ रही है और 140 बच्चे भारत के फंसे होने की बात भी सामने आ रही है। उसमें दो बच्चे जो है खरगोन के भी फंसे हुए हैं। पूरे परिवार में डर और दहशत का माहौल है। परिजन जो है सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि बच्चों को जल्दी से जल्दी वापस लाने की व्यवस्था की जाए। परिजनों का रो रो के भी बुरा हाल है। किस प्रकार से दहशत है, क्या डर है आपको और सरकार से क्या चाहते हैं? सर, सरकार से हम यही चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे बच्चे को बहुत तकलीफ हो रही है, जल्द से जल्द कार्रवाई करें, कुछ भी करें और कैसे भी करके हमारे बच्चे को यहाँ इंडिया लाए। सवाल ये उठ रहा है कि जिस प्रकार से दूसरे जो देश है, अमेरिका और दूसरे जो देश है, उनने अपने बच्चों को वापस बुला लिया है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा अभी जो प्रयास शुरू हुए गए हैं वो परिजनों को नाकाफी लग रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जल्दी से जल्दी सरकार को बच्चों को वापस लगाने की बात की जानी चाहिए। परिजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनसे व्यक्तिगत रूप से अपील कर रहे हैं कि वो आगे आए और बच्चों को व्यवस्था वापस लाने की व्यवस्था करें। वहाँ पर जो है बच्चे भी खुद डरे और सहमे हुए हैं कि पूरी तरीके से चीन में बाहर जाने से प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसके वजह से भी बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे बच्चे बहुत अधिक परेशान हैं। बयान के बाद जिला महामंत्री को जो है जेल भेज दिया गया, राष्ट्रपाल लगाकर उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा आज देखने को मिल रहा है। जिस तरह से पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने फ्रीडम चौक बीच के ऊपर फिलहाल जो है चक्का जाम कर रखा है। पिछले 2 अलग अलग जिसमें बड़े नेता भी शामिल होते हैं, फिलहाल कुछ गाड़ियों को उन्होंने
यहाँ पर जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की, और यहाँ से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट को साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जिस तरह से कल बीजेपी के जो जिला मंत्री हैं उनके गिरफ्तारी के बाद ये प्रोटेस्ट यहाँ पर शुरू हुआ है, और इसमें आगे देखना होगा कि इसमें जो पुलिस प्रशासन अब इस तरह किस तरह की आगे कार्रवाई करता है। बीते 60 सालों से मॉडल हाई स्कूल में यह परंपरा रही है। गांधी जी की पुण्यतिथि पर हर साल मौन दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दौरान स्कूल में सभी कक्षाओं में मौन रहकर बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहीं शिक्षक भी मौन रहकर ही उन्हें पढ़ाते हैं। बच्चों को यदि कुछ पूछना होता है तो वो उनसे इशारों में पूछते हैं, वहीं शिक्षक भी उन्हें इशारों में बताते हैं या फिर लिख कर उनके सवालों के जवाब देते हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित मौन दिवस का समापन 1:30 बजे किया गया। तकरीबन 2.5 घंटे तक बच्चे कक्षाओं में मौन रहे, वहीं पूरा स्टाफ भी मौन रहकर गांधी जी को श्रद्धांजलि देता रहा। इस कार्यक्रम के समापन पर रघुपति राघव राजा राम के गीत के साथ मौन दिवस का समापन किया गया। महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि पर आज मॉडल हाई स्कूल में मौन दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल की सभी कक्षाओं में मौन रहकर बच्चों ने पढ़ाई की। बसंत पंचमी का यूं तो पूरे देश में महत्व रहता है, लेकिन बसंत पंचमी का धार के लिए विशेष महत्व है। यहाँ भोजशाला में भोज उत्सव समिति द्वारा कई धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, और आज जो है यहाँ हम भोजशाला में मौजूद है। इस समय हमारे साथ भोज उत्सव समिति के पदाधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आज क्या क्या आयोजन यहाँ होने वाले हैं। जी भैया बताएं क्या क्या आयोजन आज यहाँ पूरे दिन रहेगा। आज धार के भोज उत्सव समिति द्वारा 986वां सरस्वती जन्मोत्सव मनाना प्रारंभ हुआ है। आज भोज उत्सव के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय कार्यक्रम, जो राजा भोज 40 दिवसीय बसंत मनाते थे उसको हम अब 4 दिवस के रूप में मना रहे हैं परंपरा के रूप में। आज प्रातःकाल से ही यहाँ पर पूजन प्रारंभ हो चुका है, हवन प्रारंभ हुआ है। हिंदू समाज दिन भर में कम से कम 35 से 40 हज़ार की संख्या में यहाँ दर्शन करते हैं। महिला भी काफ़ी बड़ी संख्या में पहुंची, आसपास गांव से भी सब महिलाएं आएगी, वरिष्ठों से लेकर के हर यहां पे कोई भेदभाव नहीं है, सभी हिंदू वर्ग के लोग एकत्रित होते हैं। जय श्री राम। तो ये थे श्रद्धालु हमारे साथ में, जिनसे हमने बात करी कि भोजशाला में बसंत पंचमी को लेकर खासा उत्साह है, बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी यहाँ पे मौजूद है, साथ ही दूसरे श्रद्धालु भी यहाँ पे दर्शन करने सुबह से ही आ रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बसंत पंचमी को लेकर भोजशाला में अच्छा खासा उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, और यहाँ बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुँच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो है शासन प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर की तरफ। इसकी कांग्रेस सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक में आज CAA के विरोध में प्रस्ताव पारित कर दिया है। ये प्रस्ताव अब जिस तरह से आगामी जो विधानसभा का छत्तीसगढ़ का बजट सत्र होगा उस विधानसभा के सत्र में इसको रखा जाएगा, और कांग्रेस सरकार की पूरी मंशा है कि CAA को लेकर जो बिल पारित किया जाएगा उसको पास कराकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जिस तरह से पूरे CAA को विरोध कर केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मुख्यमंत्री ने पत्र लेकर आग्रह किया है कि यहाँ पर CAA को लागू ना किया जाए। अब देखना यह होगा, जिस तो तकरार जो CAA को लेकर हमेशा बनी रही है राज्य सरकार के साथ में केंद्र की, वो अब दूर हो पाती है या नहीं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है, पत्र में भी आग्रह किया है कि यहाँ पर CAA को लागू ना किया जाए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लगातार अन्य समाज के लोग और भी इसका विरोध करते रहे हैं, इसलिए यहाँ पर CAA को लागू ना किया जाए। अब देखना यह होगा कि इस पत्र के बाद और फिर विधानसभा का जो बजट सत्र होगा उसमें ये बिल पास किया जाएगा, उसके बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अब पूरी बाजी जो है केंद्र सरकार के पाले में है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में पंचायत चुनाव होना है। एक चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, अब दूसरे चरण का चुनाव 31 जनवरी को होगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली है। अगर हम चुनाव की बात करें तो प्रदेश के 21 जिलों के 36 विकास खंडों में 2005 पंचायतों में मतदान डाले जाएंगे। जो इसके लिए जो पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत के चुनाव होंगे, और कुल 23,013 जो है जो पदों पर चुनाव होना है। 62,723 प्रत्याशी के भाग्य का फैसला है, वो मतदाता करेंगे। दूसरे चरण के मतदान के लिए जो 6,353 मतदान केंद्र
बनाया गया है, इसके लिए पूरी तैयारियां जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने कर ली है। अगर हम संवेदनशील मतदान केंद्रों की बात करें तो यहां पर 1882 संवेदनशील मतदान केंद्र है और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या है वो 742 है। इन पुख्ता इंतजामों के बीच यहां पर चुनाव होना है। और अगर हम मतदाताओं की बात करें तो पूरे जो है अभी जो 21 जिलों में जो चुनाव होना है जिनमें 1,521,721 और पुरुष मतदाताओं की संख्या कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 1,534,894 है और तृतीय लिंग के जो मतदाता है उनकी संख्या 33 है। तो कुल मिलाकर दूसरे चरण के जो मतदान होंगे उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली है और इस बार जो चार जो है जो निर्वाचन अधिक जो चुनाव कराते हैं निर्वाचन उनके चार के बजाय 5 जो है कर्मचारी तैनात रहेंगे और पूरी तैयारियाँ कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच यहां पर चुनाव संपन्न होंगे। सरकारी रुपयों का दुरुपयोग किस तरह किया जाता है इसका जीता जागता उदाहरण रायपुर नगर निगम है, जहां पिछले 3 सालों से ऐसे कर्मचारियों के मोबाइल का बिल नगर निगम पटा रहा है जो सालों पहले रिटायर्ड हो चुके हैं। जाहिर तौर पर इनके रिटायर्ड होने के बाद 1,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक के बिल का भुगतान हर महीने नगर निगम अपनी जेब से करता है और इस तरह करीब लाखों रुपए का नुकसान नगर निगम को हो चुका है। लेकिन इस मामले के संज्ञान में आने के बाद अब नगर निगम इनके पेंशन की राशि से जो रुपयों का भुगतान है वो करने के फिराक में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये लापरवाही इतने सालों तक होती कैसे रही। और चलिए इसी बीच सीधी तस्वीरें, जामिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहा है, सीए के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको जामिया यूनिवर्सिटी की हम दिखा रहे हैं। सीएए के विरोध में जमकर प्रदर्शन और देखिए बैरिकेड्स लगाए थे पुलिस ने, लेकिन उन बैरिकेड्स को हटा दिया गया है। अब पुलिस के साथ झड़प हो रही है, यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं जमकर हंगामा कर रहे हैं, भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। बड़ी खबर है दिल्ली से सीएए को लेकर, इसके विरोध में जमकर छात्रों ने हंगामा किया और ये हंगामे की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी से। तो नारेबाजी हो रही है, छात्रों का जमकर हंगामा यहां पर किया जा रहा है, छात्रों ने जमकर हंगामा किया, जामिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहा है। और आपको बता दें कि ये प्रदर्शन सुबह से ही छात्र काफ़ी नाराज थे, प्रदर्शन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और देखते ही देखते यह प्रदर्शन तेज़ी से हंगामे के रूप में भी तब्दील हो गया है, क्योंकि जो पुलिस थी वो वहाँ पर पहुँची थी रोकने के लिए। इस बीच झड़प भी हुई छात्रों के साथ, काफ़ी रोकने की कोशिश की गई है आगे ना बढ़े, लेकिन इसके बावजूद जो छात्र थे वो हंगामा कर रहे थे, पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने की जब कोशिश की तो छात्रों के साथ जमकर बहसबाजी हो गई है, झूमाझटकी हो गई, बैरिकेड्स लगाए गए थे कि वे आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन इन बैरिकेड्स को उन्होंने हटा दिया। और ये तस्वीरें देखिए, अभी भी छात्र धक्का दे रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस के जवान लगातार कोशिश कर रहे हैं उनको पीछे धकेलने के, लेकिन छात्र बड़ी संख्या में एकजुट हैं और पुलिस जवानों के हाथ से ये स्थिति अब निकलती हुई नजर आ रही है, काबू नहीं कर पा रहे हैं जवान। और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ देर बाद एक और कोई घटना घटित हो जाए, शायद वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि जैसा कि अक्सर ही देखा जाता है कि भीड़ जब बेकाबू होती है तो उसे काबू करने की तमाम कोशिशें की जाती हैं। अभी तो फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से जवान तैनात हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं बैरिकेड्स के माध्यम से, लेकिन उसके बावजूद तस्वीरों में आप जैसा कि अभी देख रहे थे छात्रों ने जमकर धक्का दिया, पुलिस के जवान पीछे की ओर आए और कुछ ही देर बाद तस्वीरें कुछ और भी हो सकती हैं। जामिया यूनिवर्सिटी की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, दिल्ली की तस्वीरें, सीएए के विरोध के चलते जमकर प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन ये प्रदर्शन अब हंगामे में तब्दील हो गया है। देखिए पूरी कोशिश है छात्रों की बैरिकेड्स हटाने की, पुलिस के जवान जो कि इस स्थिति को काबू में नहीं कर पा रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं, बैरिकेड्स हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश छात्र कर रहे हैं। तो समझाने की कोशिश की जा रही है लेकिन छात्र मानने को तैयार ही नहीं है। बड़ी खबर है दिल्ली से, सीधी तस्वीरें दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी की, सीए का जहां पर विरोध हो रहा था और ये विरोध धीरे धीरे अब हंगामे का रूप लेता जा रहा है, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध के चलते कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके चलते छात्र काफी नाराज हो गए और अब उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया है।
बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बार बार धक्का मारकर इसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी जवान हैं जो तैनात हैं और समझाने की भी कोशिश थी, बातचीत करके शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद छात्र नहीं माने हैं। और जब ये कहा जाता है कि पहले लोग पढ़ें उसके बाद इसका विरोध करें, इस बात से छात्रों को कहीं ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कई छात्रों का ये भी कहना था कि उन्होंने इतनी पढ़ाई की, इतनी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद यदि वो अपने अधिकारों को, अपनी बातों को जनता के सामने, लोगों के सामने नहीं रख सकते हैं तो उनकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। और जब ये बयान आते हैं कि लोग पहले सीए के बारे में पढ़ें उसके बाद इसका विरोध करें, तो इस बात से ये काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है, इतनी तो स्वतंत्रता है कि हम किसी चीज़ का विरोध देश के अंदर कर सकते हैं। और यही एक साथ में कुछ जो बयान सामने आ रहे हैं नेताओं के, उनको लेकर भी इनमें नाराज़गी देखी गई है। और यही कारण है कि आज जामिया यूनिवर्सिटी में सुबह से ही जमकर प्रदर्शन हो रहा था। यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो सड़कों पर भी उतरे, उनको भगाने की कोशिश की गई, इसके बाद छात्र और गुस्से में आ गए हैं, हंगामा किया जमकर, और जैसे ही वो आगे बढ़े बैरिकेडिंग लगा दी गई है और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश छात्र लगातार कर रहे हैं। तो देखिए, अब नारे भी सुनाई दे रहे होंगे आपको टीवी स्क्रीन पर, ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी की आपको दिखा रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, सुरक्षा के जवान तैनात किए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, लेकिन माहौल थोड़ा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि शाम का वक्त है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, पुलिस जवान तैनात किए गए हैं और हो सकता है कि आगे कुछ सख्त कदम भी पुलिस को उठाने पड़े, क्योंकि जो हल्ला है वो शांत नहीं हो पा रहा है, हंगामा भी शांत नहीं हो पा रहा है और इसके चलते छात्रों में और गुस्सा बढ़ रहा है। कोई उचित आश्वासन नहीं, कोई इस पर निर्णय नहीं, कोई फैसला नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं, कोई बातचीत नहीं, और इसके चलते इनका जो गुस्सा है वो और सातवें आसमान पर है। और साथ ही दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद लाइव जुड़ गए हैं। शंकर, क्या प्रमुख बातें हैं, सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक से हंगामे में तब्दील होता हुआ ये पूरा प्रदर्शन नजर आ रहा है? तो शंकर से फिर से बात करेंगे, आपको बता दें सुबह से ये हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और सीए का विरोध, ये हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार हो ही रहा है दिल्ली के कई जगहों पर। शाहीन बाग का भी नज़ारा आपने देखा है, तस्वीरें आपने देखी है, वहाँ पर किस तरीके से प्रदर्शन हुआ है और हंगामा भी कैसा हुआ है। जामिया यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं जहाँ पर जमकर प्रदर्शन किया गया। हम बात करेंगे शंकर से, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने बिगड़ने लगे हैं। प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद पुलिस बल इतनी बड़ी संख्या में तैनात क्यों करना पड़ा, ऐसी क्या स्थितियां बन गई हैं कि जिसके चलते पुलिस बल तैनात करना पड़ा। तो जामिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहा है, तस्वीर आप देखिए, छात्राएं भी यहां पर मौजूद हैं, बैरिकेड के ऊपर चढ़कर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी कि आज हो सकता है कि पुलिस के बीच जो हल्की झूमा झटकी हुई थी कुछ देर पहले, वो तेज़ी से भी यहाँ पर कुछ तस्वीरें बदल भी सकती हैं, क्योंकि छात्र मानने को तैयार नहीं है, बैरिकेडिंग तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, और जब छात्र सड़क पर उतरे थे तो उनको वहाँ से भी भगा दिया गया था, इसके चलते छात्रों में नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ गई है। और संवाददाता शंकर एक बार फिर से जुड़ गए, बात करने की कोशिश करते हैं। तो शंकर से हम बातचीत करेंगे, और तस्वीरें तो आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो उन तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, छात्रों का जमकर हंगामा देखने को ये मिल रहा है। जब यूनिवर्सिटी के बाहर निकलकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो उस वक्त पुलिस ने किसी छात्र के साथ पिटाई भी कर दी थी और छात्रों को वहाँ से भगा दिया गया था, तो ये काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। यहाँ पर जो छात्राएँ थीं वो भी काफ़ी गुस्से में नज़र आई हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी की दिखा रहे हैं, जहां पर
छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि माहौल को शांत रखा जा सके, लेकिन उसके बावजूद जो छात्र है वो मानने को तैयार ही नहीं है। सीधा तौर पर कहना है कि जो उन्होंने अपनी बात रखी है, सीए का जो विरोध किया जा रहा है पूरे दिल्ली में, इस पर अभी तक सरकार ने अपना कोई रुख स्पष्ट क्यों नहीं किया है, बात करने के लिए कोई जिम्मेदार क्यों नहीं पहुँचा है। यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरीके से डंडे चले देर रात यहाँ पर और अन्य यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरीके से हमला हुआ है, छात्र छात्राओं को बुरी तरीके से पीटा गया है, ये तमाम बातों को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि डराने की कोशिश की जा रही है, वो अपनी बातें ना रख पाए सबके सामने, इस बात के चलते ये हंगामा और ज़्यादा बढ़ गया है। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।